अच्छी और दो ये पैकेट और ये टेप ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। मैं इसको चारों तरफ से कट कर दूंगी, हमको ये दोनों पार्ट को अलग अलग करना है, तो हम इस पैकेट को कट कर देंगे। मैंने ये चाय पत्ती की पन्नी ली है, आप चाय पत्ती और नमक के पैकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी पैकेट जो है हार्ड हो, मतलब थोड़ा सा एकदम टाइट हो, वो कोई सा भी पैकेट हो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। चाय पत्ती की हो, सॉल्ट की हो, नमक की हो, आटे की भी जो पैकेट आती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने इसको जो है दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को भी कट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें छोटी कोन की भी ज़रूरत पड़ती है। जब हमें एकदम बारीक मेहंदी लगाना होता है तो हम छोटी कोन से थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे करके उसमें बहुत आसानी से मेहंदी निकल जाती है छोटी कोन से, तो हम यहाँ छोटी कोन भी बना लेंगे इसको। इतना पैकेट भी मेरा छोटा मैंने लिया है, तो हम इसको छोटा कोन बनाने के लिए इसको भी हम दो पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो मैंने इसको भी अलग कर लिया। अब हम कोन बनाने के लिए पैकेट को लेंगे और इसको क्या करेंगे, जिधर साइड से मेहंदी निकलती है उधर साइड थोड़ा अंगूठा से प्रेशर लगा के हम उसको दबा के रखेंगे, ताकि जो उसका छेद है वो बड़ा ना हो जाए। और पीछे साइड से हम इसको दबाते हुए गोल गोल राउंड राउंड करते जाएंगे अंदर की तरफ, और जिधर से मेहंदी निकलती है उधर थोड़ा सा दबा के रखना है हमें, ताकि वो जो उसका जो होल है वो बड़ा ना हो जाए। और इस तरह से हम इसको राउंड करते हुए एकदम लास्ट तक ले आएंगे। अब जहाँ पे इसकी जॉइंट आई है ना, देख सकते हो आप, यहाँ पे आई लास्ट, तो हम यहाँ पे टेप से एकदम टाइट चिपका देंगे। तो मैं यहाँ सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी टेप यूज़ कर सकते हो। तो मैं एकदम लास्ट तक इसको चिपका देना है, जहाँ से मेहंदी निकलती है एकदम वहाँ से लेके एकदम लास्ट तक, और इस तरह से हम इसको घुमा देंगे। तो वैसे तो ये हमारी कोन रेडी हो चुकी है, बट हम क्या करेंगे, इसके एकदम जहाँ से मेहंदी निकलती है वहाँ पर भी थोड़ा टेप लगा देंगे, ताकि हम थोड़ा इसको मजबूत बना सकें। तो हम यहाँ से एकदम लेके और ये राउंड राउंड करते हुए टेप को जो है गोल घुमाते हुए इसको हम पूरा चिपका देंगे। तो आप देख सकते हो ये जो हमारी कोन है, ये देख सकते हो ये जो हमारी कोन है ये रेडी हो चुकी है, और ये कॉर्नर में भी हमने टेप चिपका के इसको मजबूत बना लिया। अभी हम यहाँ से मेहंदी इसमें फिल करेंगे। तो देख सकते हो ये जो कोन है एकदम अच्छे से परफेक्ट एकदम बनी है। मैं इसको गोल गोल घुमा के भी दिखा देती हूँ। अब हम चलते हैं छोटी कोन की तरफ। तो आप देखो आप, मैं इसको कैसे बनाती हूँ। तो इसको हम ले लेंगे और इसे भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम बाहर के साइड फोल्ड करेंगे। इसको भी हम यहाँ से ऐसे दबा लेंगे जहाँ से मेहंदी निकालनी है, और फिर इसको भी हम धीरे धीरे ऐसे राउंड करते हुए गोल गोल घुमाएंगे। और इस वाली जगह को हमेशा इसको पकड़ के रखना है जहाँ से हमें मेहंदी निकालनी है, क्योंकि अगर उसको हम नहीं पकड़ेंगे तो वो जो है स्लिप हो जाएगी और बड़े छेद हो जाएंगे वहाँ पर। इस तरह से हम इसको गोल गोल धीरे धीरे राउंड कर लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम छेद सुई की जैसी हुई है। और यहाँ पर ये लास्ट आता है ना, यहाँ पर हम टेप से इसको चिपका देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सेलो टेप से फिर से इसको चिपका देती हूँ। तो आप देख सकते हो जो हमारी नोक है वो एकदम छोटी सी हुई है, एकदम परफेक्ट हुई है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एकदम इसको टेप लगा दिया है जहाँ पे हमारा एंडिंग था पॉलीथीन का। तो ये भी हमारी जो कोन है एकदम बन के रेडी हो गई है। अब हम इसके यहाँ पे भी हम इसको जो है टेप लगा देंगे, ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए। तो हम इसको फिर से नोक के पास हम फिर टेप लगा लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर भी लगा देती हूँ। तो आप देखना एकदम, मैं एकदम ऊपर से इसको लगाऊंगी और इस टेप को जो है गोल गोल घुमाते हुए हम इसको चिपका देंगे, ताकि हमारी जो कोन है वो एकदम अच्छे से रेडी हो जाए। और फ्रेंड्स, मैंने इसको बाहर की साइड इसलिए फोल्ड किया ताकि सिल्वर कलर बाहर आएगा तो देखने में थोड़ा सुंदर लगता है कोन, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने कौन सी पॉलीथीन जो है यूज़ की है। तो आप देख सकते हो हमारी ये दोनों कोन जो है रेडी हो चुकी है। हम यहाँ से मेहंदी इसमें भी फिल करेंगे, और इस तरह से हमारी ये दोनों कोन जो है रेडी हो चुकी है। तो मैं फटाफट ये दोनों कोन को भी बना देती हूँ। तो आप देखना, मैं इसको भी जल्दी जल्दी बना के दिखा देती हूँ आपको। तो इसमें भी हमें वही करना है, इसे भी हमको यहाँ से पकड़ना है और इसको जल्दी जल्दी यहाँ से घुमा देना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने तीन कोन बना दिया, और ये हमारा लास्ट कोन है। तो ये बड़ी वाली कोन थी, तो फिर यहाँ पे फिर हम ये लास्ट में यहाँ पे फिर इसको सेलो टेप से चिपका देंगे। तो मैं यहाँ पे भी इसको सेलो टेप से चिपका देती हूँ। और फिर इसको कोने के साइड जहाँ पे इसका होल है वहाँ पे भी हम इसको टेप लगा के इसको मजबूत कर देंगे। तो इस
तरह से हमारी जो कोन है ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है और पता भी नहीं चल रहा हमने कौन से पॉलिथीन यूज़ की है, एकदम बाजार की कोन लग रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इसमें मैं मेहंदी फिल करना बताऊँगी, मेहंदी का पेस्ट बना करके। तो आप देख सकते हो मैंने फटाफट ये चारों कोन जो है बना दिया, दो छोटी दो बड़ी। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।